हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू। मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। चलिए आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट टू लेकर के आए हैं और देखते हैं जो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में फिर वही बात रहेगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन कौन सा डाटा है डाटा को पहले लिख लेना है। जब डाटा को आप पहले लिख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा। इससे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला इस न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। अगर आप नहीं लिखिएगा तो फिर आपको बनाने में कंफ्यूजन हो जाएगा और नहीं बना पाइएगा। चलिए पहले हम सवाल पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। पहले ये धावन पथ समझ लेते हैं क्या होता है। धावन पथ मतलब होता है कहाँ, जिससे वायुयान उड़ता है, ट्रैक। उस ट्रैक को बोलते हैं जिस ट्रैक पर वायुयान बहुत देर तक चल करके, बहुत दूर तक चल कर उड़ना स्टार्ट कर देता है वो। तो जब वायुयान लगा हुआ था तो उसका जो है प्रारंभिक वेग कितना था, तो प्रारंभिक वेग जो था u था, तो u बराबर इसका जीरो था। जब वायुयान धावन पथ पर लगा हुआ था तो उस समय उसका जो वेग था u बराबर जीरो था। उसके बाद वो थोड़ा दूर चलना प्रारंभ किया, जब चलना स्टार्ट किया तो उसका जो v हो गया, अंतिम वेग जो हो गया वो कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिखा रहा है कि जब धावन पथ से उड़ना स्टार्ट किया तो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से वो उड़ान भरा। यदि वायुयान का पहले 0 मीटर पर सेकंड, यदि वायुयान का अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से बढ़ता है, जब विश्राम था, अब विश्राम से जब स्टार्ट हुआ उड़ना, तो उसका जो ये त्वरण जो हो गया कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, 10 त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी, जिस पथ पर वो चला, उड़ना स्टार्ट किया, उस पथ का लंबाई क्या होगा। तो s का मान पूछ रहा है, s बराबर वाट। अब देखिए यहाँ u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो u v और s और ए कहाँ है, ये वाला फार्मूला में। तो हमको यहाँ से पता चल गया ये जो ये समीकरण लगेगा फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला लेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब वी स्क्वायर का मान कितना है, 100, तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 बराबर यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 और ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ दे देंगे 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है, एस है, एस का मान ही पूछ रहा है। इसको गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 100 × 100। इसको गुना करेंगे तो 10 × 20 एस हो जाएगा, ये तो 0 का 0 हो जाएगा। इसको काटेंगे 20 से, तो 20 × 5 = 100 हुआ। उसके बाद ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500। मतलब धावन पथ का जो मान आ गया कितना आ गया, 500। धावन पथ का मान 500 मीटर में आ गया, मीटर पर सेकंड में सब डाटा चल रहा था तो मीटर में आया, तो 500 मीटर ये इसका हो गया आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे लेटेस्ट वीडियो जो भी यहाँ से डाले वो आप तक पहुँच सके।